हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिव कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सॉल्विंग अड्डा में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ऑप्थेल्मोलॉजी। आज अपने जगन मोहन के ऑप्थेल्मोलॉजी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। याद डायरेक्ट याद ही करेंगे, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोस्कोपी, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं। तो ऑप्थेल्मोस्कोपी में अगर डायरेक्ट इमेज बन रही है तो वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और 15 टाइम्स मैग्नीफाइड होती है। अगर इनडायरेक्ट इमेज बन रही है तो वो इन्वर्टेड होती है, रियल होती है और 5 टाइम्स मैग्नीफाइड होती है, ठीक है। अब कुछ डिजीज़ के अल्टरनेटिव नेम्स, ठीक है, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यूजी लेवल पे तो नहीं पूछेंगे, शायद पीजी लेवल पे पूछ सकते हैं, बट फिर भी अगर आप इसको लिखेंगे एग्ज़ाम में तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपको, शायद मार्क्स में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इजिप्टियन ऑप्थैल्मिया, ठीक है, तो ट्रैकोमा के लिए वर्ड यूज़ होता है। इजिप्टियन में टी आ रहा है तो इसको टी से याद रखें, ट्रैकोमा। और बील्स कंजंक्टिवाइटिस फेरिंगो कंजंक्टाइवल फीवर को कहते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे याद रखें, बीपी से बील्स और फिर फेरिंगो कंजंक्टाइवल। फिर स्विमिंग बाथ कंजंक्टिवाइटिस, ये इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस का दूसरा नाम। स्विमिंग में आई एम आ रहा है तो इससे आई एन याद रखें, तो इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस है। और फिर ई पॉइंट को देखते हैं, ई में क्या, एक्जिमेटस कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। तो कंजंक्टिवाइटिस ये फिंटेनुलर कंजंक्टिवाइटिस को कहते हैं, ठीक है, तो एक्जिफिल एक्जिफिल करके याद रखें इसको, ठीक है। अब अल्सर की बात कर लेते हैं। डी जो है अपना डी हाइपोफायोन अल्सर, ठीक है, तो इसी का नाम दूसरा है अल्सर सरपेंस, ठीक है, तो इसमें भी पी है तो सरपेंस में भी पी है, ठीक है। और फिर मार्जिनल अल्सर को कैटरल अल्सर भी बोलते हैं, ठीक है, मार कैट ऐसे याद रख सकते हो, बिल्ली देखी तो बिल्ली को मारो तो मार्जिनल अल्सर, कैटरल अल्सर, ठीक है। क्रॉनिक सर्पिजिनस अल्सर को रोडेंट अल्सर, रोडेंट या फिर मूरन अल्सर भी कहते हैं, ठीक है, तो रो आ रहा है इसमें क्रॉनिक, तो सर्पिजन्स तो वही हो जाएगा, ठीक है। अब फिर कॉमन साइट ऑफ लेजन्स, ठीक है, जो घाव वगैरह होते हैं उनकी कॉमन साइट। तो अगर मैलिग्नेंट मेलानोमा है, ठीक है, तो वो लिम्बस पे होता है, ठीक है, ये जो फर्स्ट फोर्थ हैं डी तक, ये चारों लिम्बस के आसपास ही होते हैं, ठीक है। तो मैलिग्नेंट मेलानोमा लिम्बस पे होता है, नीवाई एंड कॉन्ग मोल्स लिम्बस और प्लाइका पे होते हैं, ठीक है। एपिथीलियोमा लिम्बस पे मिलता है, फ्लेक्टैनुलर कंजंक्टिवाइटिस, फ्लेक्टैन का मतलब फ्लेक्टैनुलर कंजंक्टिवाइटिस है, जिसे आयुर्वेद में परवणी भी कहते हैं, ठीक है, तो ये 1 mm फ्रॉम लिम्बस पर होती है, ठीक है। और डर्मोइड कॉर्नियल मार्जिन पर होता है, ये आउटर साइड पे मिलता है, ठीक है। और डर्मोलाइपोमा आउटर कैंथस पे मिलता है। बिटॉट स्पॉट, इसी को पिंगुकुला भी कह, और बिटॉट स्पॉट और पिंगुकुला, ठीक है, ये एपेक्स फ्रॉम, एपेक्स अवे फ्रॉम कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया से एपेक्स की दूरी पर होते हैं, ठीक है। और कॉन्क्रीशंस, सिफिलिस, ये दोनों पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे होते हैं। फिर टुलारीमिया, ये टार्सल कंजक्टाइवा है, टी से टुलारीमिया, टी से टार्सल कंजक्टिवाइटिस। सार्कॉइडोसिस, फोल्ड्स ऑफ लोअर फोर्निक्स पे होते हैं, लोअर फोर्निक्स का जो फोल्ड है उसमें मिलता है सार्कॉइडोसिस, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉर्निया का भी होता है, एक्वस और विट्रियस ह्यूमर का भी होता है, लेंस का भी होता है, ठीक है। तो सबसे कम एक्वस और विट्रियस ह्यूमर का है, फिर है कॉर्निया का, फिर लेंस का, ठीक है, आप इसको ACL से याद रख सकते हैं, ठीक है। एक्वस और विट्रियस ह्यूमर का 1.33 है, कॉर्निया का 1.37 है, लेंस का 1.42 सबसे ज़्यादा 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्नियल अल्सर की, ठीक है, कॉर्नियल अल्सर के डिफरेंट डिफरेंट नाम और कब किसकी वजह से होते हैं एक तरह से, ठीक है। कॉर्नियल अल्सर डेंड्राइटिक अल्सर इसकी वजह से होता है, हर्पिस सिंप्लेक्स की वजह से, लीवर वर्ड भी हर्पिस सिंप्लेक्स की वजह से होता है। अल्सर विद वायरस इन एंटीरियर चैम्बर, ठीक है, AC का मतलब एंटीरियर चैम्बर, तो ये भी हर्पिस की वजह से होता है, ठीक है। तो हर्पिस से तीन हो गए, डेंड्राइटिक अल्सर, लीवर वर्ड्स और अल्सर विद वायरस इन AC, ठीक है। अब अल्सर जहाँ पे स्टेरॉइड इंडिकेटेड है, ठीक है, स्टेरॉइड की वजह से भी कई बार अल्सर हो सकता है, क्यों, क्योंकि स्टेरॉइड से इम्यूनिटी वीक हो गई आपको वहाँ अल्सर, तो उसको फ्लेक्टैनुलर अल्सर या फिर अल्सर एंड एक्ने रोजेस से भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अल्सर विदाउट परफोरेशन से क्या बोलते हैं, फैसिकुलर, ठीक है। केराटाइटिस विदाउट अल्सर को बोलते हैं इंटरस्टिशियल एंड डिसीफॉर्म केराटाइटिस, ठीक है।
अब ये ग्लूकोमा के टेस्ट दे रखे हैं, तो तीन टेस्ट हैं, वाटर डार्क प्रिस्कोल, ठीक है, वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट, डार्क रूम टेस्ट और प्रिस्कोल टेस्ट, ठीक है। तो ये वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट का पॉजिटिव आता है जब IOP इंट्राकुलर प्रेशर 6 mm तक राइज कर जाता है। डार्क रूम टेस्ट का पॉजिटिव आता है जब 8 mm तक IOP राइज कर जाता है। प्रिस्कोल टेस्ट का पॉजिटिव आता है जब 14 mm तक IOP राइज कर जाता है, ठीक है। तो 6, 8, 14 ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। तो W+D=P, 6+8=14, ऐसे करके आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो वाटर डार्क रूम, वाटर ड्रिंकिंग, वाटर डार्क रूम और प्रिस्कॉल, ऐसे करके ग्लूकोमा के तीनों टेस्ट हैं, ठीक है। तो याद रखें WDP ऐसे करके ग्लूकोमा के लिए, तो 6, 8, 14 ऐसे याद आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों।